हेलो फ्रेंड्स, पीएल सिक्वल की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। यह वेरिएबल डिक्लेरेशन की पार्ट टू वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम कांस्टेंट, नॉट नल और डिफॉल्ट कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारी वेरिएबल्स डिक्लेरेशन की पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे ज़रूर देख लें, ताकि इस वीडियो में समझाए गए एग्जाम्पल आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस कीवर्ड्स के बारे में कि किस तरीके से आप इन कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हो पीएल सिक्वल एग्जाम्पल के अंदर, और किन किन केसेस पे ये कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। सो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। जैसा कि हम आ चुके हैं स्कूल डेवलपर की साइट, और इस वीडियो को आखिरी तक देखना क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ अगर आप इस वीडियो को अगर आप पूरे देख लेते हो तो आपको वेरिएबल और इन कीवर्ड्स, कांस्टेंट वेरिएबल, नॉट नल और डिफॉल्ट कीवर्ड्स के बारे में और उसको किस तरीके से वेरिएबल के साथ आपको इसको यूज़ करना है वो सारा आप इस वीडियो के अंदर सीख लेंगे। सो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ कांस्टेंट वेरिएबल इन पीएल सिक्वल। सो कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, आपको इस वर्ड्स का मतलब समझता है। कांस्टेंट क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, रूल्स। कोई ऐसा रूल्स जो कि आप अप्लाई करते हो तो आपका वो मस्ट हो जाता है, उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट विच यूज फॉर व्हेन यू डोंट वांट टू चेंज वेरिएबल वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है। तो कांस्टेंट का सिंपल से आपको मतलब समझ सकते हो कि ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू आप थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं करना चाहते हो, तभी आप उस वेरिएबल को कांस्टेंट वेरिएबल बनाओ। अगर आप उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हो तो आप उस वेरिएबल को कांस्टेंट वेरिएबल नहीं बना सकते हो। तो ये आपको एक याद करने की चीज है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं आगे। तो हाउ टू डिक्लेयर कांस्टेंट वेरिएबल इन पीएल सिक्वल। तो कांस्टेंट वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर करना है, तो वेरिएबल का हमें सिंटेक्स पता ही है, वेरिएबल और डेटा टाइप, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल नेम, देन कीवर्ड हमें क्या यूज करना है, कांस्टेंट, देन डेटा टाइप, और देन असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ आपको वैल्यू डिफाइन करनी है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिक्लेयर स्टेटमेंट। डिक्लेयर के अंदर आपको क्या करना है, जैसा कि आपको पता है कि डिक्लेयर स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, डिक्लेरेशन अपनी करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वेरिएबल का नाम, देन कांस्टेंट, वेर के टू, ये हमारा हो गया डेटा टाइप, कितनी वैल्यू स्टोर करनी है वो हमने साइज दे दिया, देन असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, वैल्यू को असाइन करने के लिए, और देन इसके अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी सिंगल कोट के अंदर, ठीक है, और देन सेमीकोलन आपको मस्ट है, हर एक स्टेटमेंट के बाद आपको सेमीकोलन देना, अदरवाइज आपको एरर शो होगा जब आप प्रोग्राम को रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। देन बिगिन के अंदर आपने क्या किया, आपने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, ये हमारी पीएल सिक्वल के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट होती है वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है, dbms underscore output dot put underscore line, ठीक है, इसके अंदर वेरिएबल आप पास करते हो, और एंड के बाद आपको सेमीकोलन लगाना है, ठीक है, इसको आपको सिलेक्ट करना है और आपको प्रोग्राम रन करना है, और आप देखोगे कि आपका जो भी वेरिएबल के अंदर आपने वैल्यू स्टोर करा था वो आपका प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन पे जो कि आते हैं और पूछे जाते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर भी, ठीक है, तो ये भी आपको नोट करने वाला है, और ये आप एक तरीके से समझ सकते हो ये रूल्स हैं जब भी आप कांस्टेंट वेरिएबल को आप डिक्लेयर करते हो, ठीक है। तो पहला आपका रूल क्या कहता है कि आपको जब भी आप कांस्टेंट वेरिएबल को आप क्रिएट करते हो तो एट द टाइम ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल आपको उसी टाइम पे आपको वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन करना है, ठीक है। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देखोगे मैंने जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू असाइन थी उसको मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्राम को सिलेक्ट करूंगा और इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा, और आप यहाँ पे देखोगे एरर, डिक्लेरेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल, यह हमारा वी नेम हो गया, मस्ट कंटेन ए इनिशियलाइजेशन असाइनमेंट, ठीक है, इनिशियलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, बेशक आप इसको नल डिफाइन कर दो, बट आपको कुछ ना कुछ आपको वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब मैं इसको यहाँ पे चलाऊंगा तो ये चल जाएगा, और नल है तो इसलिए कोई वैल्यू यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा केस, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ 100 अगर आप प्रिंट करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपकी वैल्यू 100 शो हो रही है, ठीक है।
अब दूसरा रूल आपका क्या कहता है कॉन्स्टेंट का, कि अगर आपने कॉन्स्टेंट एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आपने डिफाइन कर दिया है तो आप उसको अब चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपको क्या होगा, आप जब भी अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको एरर शो होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, असाइनमेंट, और यहाँ पे इसकी मैं वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम को सिलेक्ट करूँगा और रन करूँगा, तो क्या मेरे को मैसेज आता है, एक्सप्रेशन वेरिएबल कैन नॉट बी यूज एज एन असाइनमेंट टारगेट, ठीक है। तो आप इसको नहीं यूज कर सकते हो दोबारा, आप इस वेरिएबल के अंदर दोबारा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपने इस वेरिएबल को कॉन्स्टेंट बना दिया, आपने बता दिया है कि भाई इसकी वैल्यू मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ। अब इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि आप देखोगे कि कुछ ऐसी वैल्यूज होती है जिसके आप चेंज नहीं करना चाहते हो, जैसे कि अगर हम मैथ के अंदर जाते हैं कि अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें आपकी मैथ की कैलकुलेशन हो, जैसे पाई, पाई की वैल्यू क्या होगी, मोस्ट ऑफ द केस 3.14 होती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कॉन्स्टेंट बना दोगे उस वेरिएबल के साथ कि भाई यही मेरी वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्स्टेंट वेरिएबल और कॉन्स्टेंट कीवर्ड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नॉटनल कीवर्ड और नॉटनल वेरिएबल किस तरीके से आप क्रिएट करते हैं और क्या होता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं नॉटनल वेरिएबल और नॉटनल कीवर्ड्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले नॉटनल के बारे में हम जान लेते हैं। तो नॉटनल हमारा क्या होता है, एक तरीके का कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। और नॉटनल वेरिएबल क्या होता है, वाइल यू आर क्रिएटिंग अ नॉटनल टाइप वेरिएबल विच मीन्स दैट वी हैव टू असाइन सम वैल्यू, ठीक है, हमें कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी इन द वेरिएबल, अदरवाइज वी विल सी द एरर वाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, ठीक है। तो जब भी आप नॉटनल टाइप का कोई वेरिएबल आप डिफाइन करते हो और डिक्लेयर करते हो तो आपको उसके अंदर वैल्यू आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपको एरर शो होगा जब भी आप प्रोग्राम को रन करोगे, ठीक है। तो अब आपको डिक्लेयर किस तरीके से करना है, तो बेसिक चीज़ आपको पता चल गई नॉटनल वेरिएबल और नॉटनल क्या होता है, ठीक है। तो किस तरीके से आपको इसको डिक्लेयर करना है, तो सबसे पहले आपको लिखना है वेरिएबल नेम, डेटा टाइप नॉटनल, देन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 2, और ये हमने बेसिक वही एग्जांपल लिया जो हमने अभी कॉन्स्टेंट के लिए लिया था, ठीक है। सो आपका वेरिएबल नेम हो गया, देन डेटा टाइप हो गया, उसके बाद आपको क्या लिखना है, नॉटनल, ठीक है, देन सेमी असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके अंदर हमने वैल्यूज यूज किया, देन सेमी कॉलन, ठीक है। सो सेमी कॉलन मस्ट है आपका, हर एक स्टेटमेंट के बाद आपको याद रखना कि आप सेमी कॉलन जरूर लगाए, नहीं तो आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको एरर शो होगा, ठीक है। बिगिन, और उसके बाद हमने क्या करा, हमने इस वेरिएबल की वैल्यू को हमने प्रिंट किया, ठीक है। और अब हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, आप देखोगे कि पी एल सीक्वल ट्यूटोरियल आपका डिस्प्ले हो गया। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टेंट और नॉटनल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि हम कॉन्स्टेंट में भी वैल्यू एट द टाइम ऑफ वेरिएबल हम वहाँ पे भी डिक्लेयर कर रहे थे और यहाँ पे भी डिक्लेयर कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि आप नॉटनल टाइप का जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, और कॉन्स्टेंट की वैल्यू, कॉन्स्टेंट टाइप वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, जैसा कि हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे। मैं हम अब हम लेते हैं वी नेम अगेन, और इसके अंदर हम वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसी को कॉपी करते हैं पी एल सीक्वल ट्यूटोरियल, और इसके बाद हम लिख देते हैं 2, और हम बंद कर देते हैं सेमी कॉलम। अब इस वेरिएबल के अंदर मेरा क्या रहेगा, ठीक है, डिक्लेयर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर मैंने किया था पी एल सीक्वल ट्यूटोरियल के साथ, बट जब मैं एग्जीक्यूट हो रहा तो उस टाइम पे मेरे वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या रहेगा, पी एल सीक्वल। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, पी एल सीक्वल ट्यूटोरियल आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक डिफरेंस कॉन्स्टेंट और नॉटनल टाइप वेरिएबल के बारे में। तो आई होप आपको नॉटनल वेरिएबल आपको समझ में आ गया होगा, कैसे आपको ये डिक्लेयर करना है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे डिफॉल्ट कीवर्ड्स के साथ। तो अब हम देखते हैं डिफॉल्ट वेरिएबल किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो डिफॉल्ट कीवर्ड के बारे में, ठीक है। तो डिफॉल्ट बेसिकली क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर आप डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हो जब भी आप एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन सेक्शन आप
असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हो वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट करवाने के लिए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर यू कैन यूज डिफॉल्ट कीवर्ड टू असाइनिंग ए वैल्यू टू द वेरिएबल्स, ठीक है। तो हाउ टू डिक्लेयर डिफॉल्ट वेरिएबल इन पीएल सिक्वल, वेरिएबल नेम, डेटा टाइप, देन डिफॉल्ट कीवर्ड एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। सबसे पहले हमने एनएनएस ब्लॉक लिखा, इसमें वेरिएबल हो गया, देन डेटा टाइप, डिफॉल्ट कीवर्ड और उसके अंदर हमने वैल्यू को असाइन कर दिया, ठीक है। अब हम इसको चला के देखते हैं, आप देखोगे आपको वैल्यू आपको यहाँ पे प्रिंट होगी। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या हम इस डिफॉल्ट कीवर्ड को असाइनमेंट ऑपरेटर की अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या हम एग्जीक्यूशन सेक्शन के अंदर भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है नो, ठीक है। आप एग्जीक्यूशन सेक्शन के अंदर अब डिफॉल्ट कीवर्ड्स के थ्रू वेरिएबल के अंदर वैल्यू नहीं सेट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफॉल्ट कीवर्ड आपका कब यूज होगा, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के अंदर आप जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तभी आप डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने जो फीडबैक्स हैं वो हमें आप कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी तरीके पीएल सिक्वल की और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।